हेलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारे मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.4, जिसके अंदर हमें पढ़ना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। हिंदी में कहते हैं इसे उत्तरोत्तर आवर्धन। नहीं, ठीक है, उत्तरोत्तर आवर्धन। तो इसके अंदर हमें करना क्या होता है कि हमें नंबर लाइन के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज अप टू 5.37777। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करना है, इस वैल्यू को पॉइंट के बाद 5 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि डेसिमल का 5 प्लेसेस तक हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। और ये हमें सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड के थ्रू करना है, यानी कि हमें सीधा एक नंबर लाइन पे इसे नहीं करना है, हमें पहले बार बार मैग्निफाई करना है, और मैग्निफाई कर करके हमें उसे इसमें यहाँ तक पहुँचना है। तो कैसे करते हैं ये, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, नंबर लाइन। आप सब बना सकते हैं नंबर लाइन, आप लोगों ने बनाया होगा। तो ये एक आपका नंबर लाइन है, ठीक है, जिसमें 0 राइट हैंड साइड की तरफ, पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको करना है 5.37777, यहाँ तक जाना है आपको। तो आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, ये नहीं कि आप एक ही बार में यहाँ पे पहुँच जाएंगे, आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। जैसे फिलहाल आपको 5 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, ठीक है ना, जैसे ये 5.3, ये 5.3 कहाँ पे आएगा, ये 5.3 आएगा 5 और 6 के बीच में, तो हम इसको ऐसे सर्कल कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहला स्टेप आया कि हम 5 से गए 5.3 पे, अब 5.3 5 और 6 के बीच में आएगा, तो आपको इसको मैग्नीफाई करना है। इसके लिए आपने फिर से बनाया, ठीक है, इस बार जो आपके बीच में नंबर खुलेंगे वो इन दोनों के बीच के नंबर होंगे, यानी 5 से लेके 6 के बीच में। जैसे आपने 5 बनाया तो इसके बाद आएगा 5.1, अगर आप इसको जूम इन करते हैं तो आप इनको देख सकते हैं कि 5.5 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 5.1, फिर 5.2, फिर 5.3, फिर 5.4, फिर 5.5, फिर 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको चाहिए 5.37, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे 5.37। तो 5.37 किसके बीच में मिलेगा, वो 5.3 और 5.4 के बीच में मिलेगा, क्योंकि इसी के बाद 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे करके आएगा, ठीक है, तो 3.7 तक भी इसके बीच में आएगा। इसके लिए अब हमें इसे जूम इन करना पड़ेगा, ठीक है, फिर से नंबर लाइन। अब इस बार ये हम 5.3 से स्टार्ट करेंगे, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 और 5.4, ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमें जाना है 5.377, एक स्टेप और आगे, तो 77, 5.377 किन के बीच में मिलेगा, वो 5.37 और 5.38 के बीच में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 3.71, 3.72 करते करते 3.77 में पहुंचेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एक और आगे बढ़ जाना है, फिर से इसी को हमें जूम करना है, ठीक है। तो फिर से हम करेंगे इसे, तो ये बनेगा 5.37 से हमने स्टार्ट किया ना, तो बनेगा 5.371, 5.372, 5.373, 5.374,
5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379 और ये बन जाएगा 5.38। अब फिर से 3.377777, 3777, 1 7 और आगे बढ़ गए, उसके लिए फिर से इन्हीं के बीच में जाना पड़ेगा। ठीक है, 3 7 7 किन किन के बीच में आएगा, 7 7 1 7 7 2 7 7 3, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा इधर का आप लोगों को। तो हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, 5.377 से स्टार्ट करना है ना, तो फिर 5.3771, 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778, 5.3779, 5.378। ठीक है, अब फिर से 7777, एक और 7 चाहिए हमें, 3 बार तो आ चुके हैं, एक और बार चाहिए, तो अभी भी इन्हीं के बीच में बनेगा और लास्ट बार हमें बनाना पड़ेगा और एक बार हमें नंबर लाइन और बनानी पड़ेगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब लास्ट बार हम बना रहे हैं 5.3777, अब हमें करना है 5.3771, इसके इन दोनों के बीच में आना है। ठीक है, फिर अगला आएगा 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777 और 5.3778, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। तो बस हमें चाहिए क्या था, 5.37777, 4 बार 7, तो ये आगे हमारा आंसर। ठीक है, तो यानी कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में क्या करना पड़ेगा कि मतलब हमें बार बार इसको जूम करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले 5 और 6 के बीच में किया, फिर अगला 5.3 और 5.4 के बीच में किया, फिर 5.37 5.38 के बीच में किया, फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े 5.377 और 5.378 के बीच में। तो जब तक हमें जो वैल्यू पूछी गई है तब वो आ नहीं जाती है, तब तक हम ऐसे ही उसको जूम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी लंबा पूछा हुआ था, पॉइंट के बाद 5 वैल्यू तक पूछी गई थी, इसलिए हमें 6 बार ये बनाना पड़ा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, होने को बहुत इजी है, बस थोड़ा लंबा है कि हमें बार बार इनको हमें नंबर लाइन बनानी पड़ती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर ये आ गया हमारा, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, चाहे तो इसको सर्कल कर लो, चाहे इसके ऊपर फ्लैग बना दो, तो आपका आंसर ये आ चुका है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज के अंदर, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो अभी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी कि हमें उत्तरोत्तर आवर्धन विधि का इस्तेमाल करके इसे हमें संख्या रेखा पर निरूपित करके दिखाना है। ठीक है, तो अभी हमने जो एग्जाम्पल किया था उसमें 5 डेसिमल प्लेस तक था, तो काफ़ी बड़ा बन गया था, इसमें 3 डेसिमल प्लेस तक है, तो ये हमें 4 बार में ही बन जाएगा हमारा। तो सबसे पहले आप अपना नॉर्मल एक इंटीजर का नंबर लाइन बनाएंगे जिसमें 0 होगा, -1 -2 -3, और इधर आएगा 1 2 3 4 5, बहुत है, ज़रूरी नहीं है बड़ा बनाना। अब हमें चाहिए 3.765, हमें चाहिए 3.765, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था हमें एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है, तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे आप
थ्री तो आपने पता लगा लिया, पर 3.7, 3.7 किसके बीच में आएगा? वो 3 और 4 के बीच में आएगा, तो 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो आपने 3 और 4 को सर्कल किया और इसके बीच में आपने एक और नंबर लाइन बना दिया। अब 3 से लेके 4 के बीच में क्या क्या आता है? आता है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4। ये आते हैं 3 और 4 के बीच में, ठीक है। 3 और 4 के बीच में आते हैं 3.1 से लेके ऐसे 3.1, 3.2 ऐसे करके आते हैं, ठीक है। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। हमें तो इस वाले में क्या करना है हमें फिर, तो 3 और 4 के बीच में अब हमें क्या चाहिए? 3.7। तो देखो 3.7 का है, ये रहा 3.7, ठीक है, 3.7। अब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, हमें क्या चाहिए? 3.76, ठीक है, एक स्टेप आगे हमें चाहिए 3.76। तो 3.76 कहाँ मिलेगा? 3.76 3.7 और 3.8 के बीच में ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 7.1, 7.2 आगे बढ़ेंगे तो आप उसके आगे 1.2 लगाएंगे ना, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 ऐसे मिलेगा। तो एक स्टेप और आगे बढ़ गए आप, एक स्टेप और आगे बढ़ गए, फिर से एक नंबर लाइन, इस बार 3.7 से लेके 3.8 के बीच में क्या कहेगा? 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.8। और अब 3.76 चाहिए था, कहाँ है 3.76? ये रहा, ठीक है। अब उससे आगे एक स्टेप और लास्ट स्टेप हमें चाहिए 3.765। तो 3.765 किसके बीच में मिलेगा? तो वो 3.76 और 3.77 के बीच में मिलेगा, क्योंकि इसी के आगे हम 1, 2, 3 लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट बार करना पड़ेगा हमें एक और बार, ठीक है, लास्ट बार एक बार और हम खींचेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये बनेगा 3.76 के बाद क्या आएगा? 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.77। तो हमें लास्ट में क्या चाहिए था? 3.765। तो ये रहा 3.765। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। चाहे तो इस पे ऐसे सर्कल बना लो, चाहे तो फ्लैग बना लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस बार तीन ही पॉइंट के बाद तीन डिजिट तक चाहिए था, तो हमने चार बार बनाया नंबर लाइन और हमारा खत्म हो गया, ठीक है। जितनी बार भी हम पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होगी उससे एक ज़्यादा बार हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हो चुका है हमारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, कुछ नहीं है, हमें बस मैग्नीफाई करना है। मैग्नीफाई का मतलब ही आपको पता है आवर्धन। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जो किसी भी चीज़ को आप देखते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, जूम हो जाता है, ठीक है, उसमें से देखते हैं तो चीज़ें बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो आप जब इनको बीच में से देखोगे, मैग्नीफाई करोगे, तो आपको बड़ा बड़ा ये सब दिखेगा। फिर इन दोनों इनके बीच में मैग्नीफाई करोगे तो आपको ये सब दिखेगा। फिर आप इनको मैग्नीफाई करोगे तो आपके बीच में ये सब दिखेगा। तो यानी वही ये सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का मतलब यही होता है कि हर बार आप मैग्नीफाई कर रहे हैं, उनको जूम कर रहे हैं, उनके बीच की चीज़ें देख रहे हैं कि उनके बीच में और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो 3 और 4 के बीच में ये प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है, और लास्ट में आप अपने आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो बहुत आसान है ये, ठीक है। अब लास्ट एक्सरसाइज, तो दो ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, जिसमें से एक हम कर चुके हैं और एक आप खुद करेंगे, जिसका जिसमें क्वेश्चन क्या है आपको करना है 4.26 बार। 26 बार, 26 बार का मतलब क्या है? इसका मतलब है 4.2626, ठीक है, मतलब, और बोला है कि 4 डेसिमल प्लेस तक, 4 डेसिमल प्लेस तक आपको इसे करना है। 4 डेसिमल प्लेस में दो बार करना पड़ेगा, 2626, ठीक है। तो मतलब मैग्नीफाई कितनी बार करोगे? 5 बार। पहले ऐसे लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो किसके बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में। फिर आप 4.2 और 4.3 के बीच में,
कराई देता हूँ मैं। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज सही कर लेना, बुक में जो है उसमें लिखा हुआ है कि 4 पॉइंट मतलब 4 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो वो आप लिख लेना। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, 4.2626 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इतना करने की ज़रूरत नहीं, आप 6 तक 6 7 तक भी कर सकते हैं। अब हमें चाहिए 4.2, 4.2 मिलेगा 4 और 5 के बीच में, 4.2 मिलेगा 4 और 5 के बीच में। तो अब आपने 4 और 5 के बीच में निकाला 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.95। ठीक है, अब 4.2626, तो पहले 4.2 तक तो आप आ गए, ये रहा 4.2, इसके आगे पहुंचना है आपको 4.26, 26, तो 6 किसके बीच में मिलेगा, इसी के बीच में मिलेगा, 4.2 और 4.3 के बीच में। फिर से एक सर नंबर लाइन, फोर पॉइंट टू के बाद आएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.3। अब आपको चाहिए था 4.26, तो ये रहा 4.26। ठीक है, इसके आगे एक और स्टेप बढ़ेंगे, तो 4.262, 26 के आगे क्या चाहिए, 2, तो किसके बीच में आएगा, इन्हीं के बीच में आएगा। ठीक है, अगला स्टेप 4.26 के बाद क्या आएगा, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, 4.27। तो आपको अगला स्टेप मिल गया 4.262, 4.262 ये रहा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप एक और बढ़ना है कि जिसमें आपको चाहिए 4.2626, तो 2626 तो इन्हीं के बीच में मिलेगा, तो एक लास्ट बार आपको और बनाना है इसे, और हम बनाएंगे 4.262 के बाद क्या आएगा, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और 4.263। तो लास्ट में हमें चाहिए था 4.2626, तो ये रहा हमारा 4.2626। तो इसी के साथ ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी है, और यही दो दो क्वेश्चन थे हमारे एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, तो यही दो क्वेश्चन थे हमारे एक्सरसाइज में, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें जूम करने का सीखना है, मैग्नीफाई करना सीखना है, कि कैसे हम एक एक करके स्टेप सक्सेसिव मैग्नीफाई मैग्नीफिकेशन करते हैं, सक्सेसिव मतलब लगातार आगे की तरफ। ठीक है, तो आपने एक स्टेप किया, फिर अगला स्टेप किया, फिर अगला स्टेप किया, फिर अगला स्टेप, मतलब हर बार आप मैग्नीफाई करते जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर यही था, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, और बहुत इजी एक्सरसाइज है, दो क्वेश्चन थे, दोनों हमने कर लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 की तरफ।